गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए रिवीजन में संबंध सूचक पदानी पदमानी शब्द संबंध सूचक जो संबंधों को बताते हैं वो शब्द पढ़ेंगे। आइए देखिए बच्चों, ये देखिए संबंध सूचक पदानी यानी कि संबंध सूचक मतलब बताने वाले, पदानी मतलब शब्द, संस्कृत है यहाँ पर इसकी हिंदी है। देखिए लुक एट द बोर्ड केयरफुली, देखिए बच्चों यहाँ संस्कृत में है और यहाँ उनकी हिंदी में नाम है। मातृ जननी अम्बा, कौन है? माँ, माता। मातृ जननी अम्बा, जननी जो जन्म देती है, मातृ मातृ तो है ही माँ, तो कौन उसको संस्कृत हिंदी में क्या कहेंगे? माता या मम्मी, है ना, मदर। ओके आगे देखते हैं। आत्मजह पुत्र है, आत्मजह पुत्र है, तो आत्मजह कौन है और पुत्र है, किसे कहते हैं संस्कृत में? पुत्र को, सन को, बेटे को, बेटे को संस्कृत में आत्मजह पुत्र है बोलते हैं। बहन को क्या बोलते हैं? देखो भगिनी स्वेसा, भगिनी स्वेसा संस्कृत में बोलते हैं। ये भगिनी निवेदिता थी, एक क्रांतिकारी महिला होंगी, भगिनी माने बहन, निवेदिता तो भगिनी माने बहन, स्वेसा बहन, हिंदी में बहन और संस्कृत में भगिनी स्वेसा। हिंदी में मामा को, मामा जो मामा को संस्कृत में क्या बोलेंगे? मातुलह। जो हिंदी में जिन्हें मामा कहते हैं ना, मम्मी के भाई है ना मामा, उनको संस्कृत में बोलते हैं मातुलह। मामी को मातुलानी, मातुला तो मातुलानी। चाचा को पितृव्यः, पितृव्यः क्योंकि ये विसर्ग भी है, चाचा क्योंकि पिता को पितरी बोलते थे तो चाचा उनके भाई हैं, पितृव्यः चाचा। आगे देखते हैं। और चाची, चाची को क्या बोलेंगे? क्योंकि चाचा से ही बनेगा शब्द, पितृव्यः पत्नी, पितृव्यः पत्नी कौन है? चाची। और पुत्री को आत्मजह, क्योंकि ये जो पुत्र को, ये जो पुत्र है उनको आत्मजह बोलते हैं और पुत्री को आत्मजह, पुत्र को आत्मजह, आत्मजह ये विसर्ग लगा और उसमें आत्म मात्र लग जाएगी सिर्फ आत्मजह पुत्र। बच्चों एक बार ध्यान से देख लीजिए, हिंदी में जिनको हम ये बोलते हैं, जो रिश्ता हमारा ये है उसको संस्कृत में हम ये बोलते हैं, क्या? मातृ जननी अम्बा, पितृ जनकः आत्मजह पुत्रः, भगिनी स्वसा मातुलः, मातुलानी पितृव्यः, पितृव्य पत्नी आत्मजह, ये इनके हिंदी में नाम है, ये संस्कृत में। ओके तो बच्चों जरा ध्यान से देख लीजिए, ये हाफ ईयरली एक के लिए प्रिपरेशन है आपकी, रिवीजन है, मैं इसलिए साइड में हो जाती हूँ। बच्चों आप ध्यान से देख लीजिए इसको, वेरी केयरफुली आप इसको नोटबुक में उतारना, और इसकी संभावना है आपके एग्ज़ाम में आने की, इसलिए मैं साइड में हटती हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर देख लीजिए। ओके।